मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन को देखते हैं, जो कि अजीब हालत में डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा होता है। दरअसल उसके ब्रेन को डायग्नोसिस किया गया था, जिसके बाद जॉन उठकर नर्स से पूछता है कि उसकी हालत अब कैसी है। नर्स उसका जवाब देते हुए बताती है कि उसकी तबीयत अभी भी वैसी है जैसे पहले थी। अब हम जॉन को बहुत सारे कैंसर पेशेंट के पास बैठा हुआ देखते हैं। उन्हीं कैंसर पेशेंट में से एक हेनरी भी होता है, जो कि अपने कैंसर को लेके काफी ज्यादा चिंता कर रहा था। अब अगले दिन जॉन अपने डॉक्टर से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है, जहां पर जाकर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका ब्रेन कैंसर अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसी के चलते वो बहुत जल्द मरने वाला है। ये सुनकर जॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब वो पानी पीने के लिए जाता है, जहां पर वो एक लड़की को मरे हुए पेशेंट की वॉच और सामान को चुराते हुए देख रहा होता है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़के को एक चेयर पर बंधा हुआ पाते हैं। उसकी आंखों पर दो पाइप लगे हुए थे और उसके एक हाथ में एक अजीब तरीके का स्विच और दूसरे हाथ में उसकी उंगलियां उस स्विच से कनेक्टेड एक जाल से बंधी हुई थी। तभी वहां पर जिक्सो आता है, जो उस लड़के को बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने दूसरे हाथ से स्विच को एक एक करके दबाना होगा, जिससे कि उसकी एक एक उंगलियां टूटती जाएगी और जैसे ही उसके दूसरे हाथ की पांच उंगली टूट जाएगी वो आजाद हो जाएगा। बट ऐसा अगर नहीं हुआ तो उस पाइपों के जरिए उसकी दोनों आंखें खींच ली जाएगी। अब उसका टाइम स्टार्ट होता है, जहां पर वो एक एक करके अपनी हाथ की दो उंगलियों को तोड़ देता है। बट समय रहते टास्क को पूरा न करने की वजह से उन पाइपों द्वारा उसकी दोनों आंखें खींच ली जाती है। लेकिन हम प्रेजेंट में उस लड़के को देखते हैं, जो कि जॉन को देख लेता है और वो वहीं पर उस पेशेंट की सारी चीजें रख कर चला जाता है। एक हफ्ते बाद जॉन रेस्टोरेंट में अपने काम पर वापस लग जाता है। तभी वहां पर हेनरी आता है। हेनरी को देखकर जॉन उसे बोलता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, जिस पर हेनरी बोलता है कि उसने एक स्पेशल डॉक्टरों की टीम से अपने कैंसर का इलाज करवाया था। उसने उनसे ट्रीटमेंट लिया, जिसके बाद उसका कैंसर खत्म हो गया। ये सुनकर जॉन भी हेनरी को बोलता है कि उसे भी उन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है अपने कैंसर के लिए। अब हेनरी जॉन को बताता है कि उसने डॉक्टर पेडरसन की बेटी से इस बारे में हेल्प ली थी। अब हेनरी जॉन को उन डॉक्टर्स की ऑफिशियल वेबसाइट लिख कर देता है और बोलता है कि वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अब जॉन घर पर आकर उन डॉक्टर्स पर रिसर्च करने लगता है। वो डॉक्टर पेडरसन की एक वीडियो देखता है, जहां पर पेडरसन बता रहे थे कि कैंसर का उपचार किस तरीके से किया जाएगा। उस वीडियो में डॉक्टर पेडरसन बता रहे थे कि वो किस तरीके से अपने प्रोसेस के द्वारा लोगों के कैंसर को ठीक करते हैं। अब जॉन हेनरी की दी हुई वेबसाइट पर जाता है, जहां पर वो पेडरसन की बेटी गैब्रियला का वीडियो देखता है। अब वो उस साइट पर उन्हें कॉन्टेक्ट करता है, जिसके कुछ देर बाद ही जॉन के पास पेडरसन की बेटी गैब्रियला का कॉल आता है। गैब्रियला बताती है कि इस ट्रीटमेंट का आविष्कार उसके पिता ने किया था और वो लोग इस इलाज को सस्ता करके सभी के लिए ऑफिशियल अवेलेबल नहीं कराना चाहते, इसलिए वे चुप कर ये काम किया करते हैं। गैब्रियला जॉन को बताती है कि उसके पास अब केवल एक जने का इलाज करने के लिए वक्त है, तो क्या आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं? जिस पर जॉन उसे तुरंत ही हाँ बोल देता है। गैब्रियला उसे बोलती है कि उसने एक अकाउंट भेजा है, जिस पर वो $2,50,000 ट्रांसफर कर दे और उसके बाद उसका मेक्सिको में इलाज किया जाएगा। जॉन ठीक ऐसा ही करता है, वो उस अकाउंट पर $2,50,000 ट्रांसफर कर देता है और अब वो मेक्सिको के लिए निकल जाता है, जहां पर उसे रास्ते में डियागो नाम का एक ड्राइवर मिलता है, जो उसे गैब्रियला के घर तक पहुंचाने लगता है। गैब्रियला के घर पे जाने पर जॉन एक पोला नाम की लड़की को देखता है, जो उसे अंदर ले लेती है। अब जॉन गैब्रियला के साथ उसके रिसर्च बेस में घुसता है, जहां पर उनका एक साइंटिस्ट जिसका नाम पीटर होता है, उसका भी कैंसर गैब्रियला ने ठीक ऐसे ही तरीके से खत्म किया था। जहां पर गैब्रियला की टीम में डॉक्टर मटेउ, डॉक्टर फ्रैंक और नर्स केट होती है। उसके बाद हम गैब्रियला को जॉन से बातें करते हुए देखते हैं। गैब्रियला पूछती है कि जॉन क्या काम करता है, जिसका जवाब देते हुए जॉन बोलता है कि वो एक इंजीनियर है और लोगों की मदद करता है। अब रात को जॉन सो रहा होता है, जहां पर उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। जब वो जाकर बाहर देखता है तो एक लड़का अपनी साइकिल को ठीक कर रहा होता है। जॉन उसकी इस काम में मदद करता है और यहां पर उसे साइकिल को ठीक करते करते उस लड़के का नाम पता चलता है, जो कि होता है सैम। अब जॉन सैम की साइकिल ठीक कर देता है, जिसके बाद उन दोनों की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके तुरंत बाद हम जॉन की सर्जरी होते हुए देखते हैं। डॉक्टर्स उसके दिमाग को पीछे से चीर कर उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जिसे जॉन भी अपनी आंखों से जागते हुए देख रहा होता है। कई घंटों बाद जॉन को अब होश आता है, जहां पर डॉक्टर गैब्रियला उसे बताती है कि उसका कैंसर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वो उसे उसकी रिपोर्ट्स दिखाती है, जहां पर वो बताती है कि उसकी रिपोर्ट्स एक नॉर्मल इंसान की तरह ही आई है। ये सुनकर जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो सोचने लगता है कि किस तरीके से वो जिक्सो बनकर लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करेगा।
अब जॉन वहाँ से निकलकर पूरे शहर में घूमने लगता है और कुछ दिनों बाद वो वापस गैब्रिएला से मिलने उसके घर पर आता है, जहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। अब वो फैक्ट्री जाता है जहाँ पर अभी सब चीजें तबाह हो चुकी होती है। वहाँ पर ही एक पीसी में वो डॉक्टर पेडरसन की एक वीडियो देखता है और वो वीडियो उसी के ब्रेन सर्जरी की होती है जिसे उसने अपनी आंखों से ऑपरेशन के दौरान देखा था। अब वो सोचने लगता है कि क्या उसका ऑपरेशन रियल में हुआ भी था या फिर नहीं। वो अपनी पट्टियां खोलता है जहां पर उसे कोई भी घाव नहीं मिलता सर्जरी का। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसका कोई भी ब्रेन ऑपरेशन नहीं किया गया। अब हम टैक्सी ड्राइवर डियागो को देखते हैं, जिसकी टैक्सी में एक नया पैसेंजर आके बैठता है जो उसे पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम डियागो को एक रूम में बंधा हुआ देखते हैं। उसके आगे जॉन आता है और अब डियागो के रूम में एक स्पीकर आता है जहां पर जॉन उसे बोलता है कि तुमने डॉक्टर मटेउ बनकर सर्जरी का नाटक करके उन लोगों का साथ दिया है और मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे दोनों हाथों पर बॉम्ब्स बांध दिए और अगर 3 मिनट में तुम अपने दोनों हाथों को काट कर अलग नहीं करते तो उस बॉम्ब के साथ तुम भी फट जाओगे। इसके बाद डियागो का टाइम स्टार्ट हो जाता है और डियागो एक एक करके अपने हाथ काटने लगता है, लेकिन उस बॉम्ब के फटने के कारण वो खुद भी फट जाता है। अब जॉन अपने साथी से कॉल करके बताता है कि उसने एक टीम ढूंढी है जिसका शिकार करने के लिए उसे उसकी जरूरत है। अब हम केट को एक लड़के के साथ क्लब में देखते हैं। वो दोनों एक टैक्सी में बैठते हैं जहाँ पर कोई अनजान शख्स उस लड़के को मार देता है और केट को पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर फ्रैंक के पास पोला आती है जो उनसे ड्रग्स मांगती है। ड्रग्स लेने के बाद पोला वहां से चली जाती है और कोई फ्रैंक को पीछे से मारकर उसे भी पकड़ लेता है। पोला बाथरूम में जाकर ड्रग्स लेने लगती है जहां पर उसे भी मारकर कोई बेहोश कर देता है और पकड़ लेता है। अब हम गैब्रिएला को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट्स को लूटने के बाद वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो फोन पर दूसरे लोगों को भी फंसा रही थी और वो पैसों को एक बैग में भरकर वहां से निकलने के लिए तैयार होती है। तभी वहां पर कोई अंदर घुसता है जिससे डरकर वो वहां से निकलने लगती है। तभी उसके कार के पीछे की सीट पर जॉन बैठा होता है जो कि उसे इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है और बेहोश होते होते गैब्रिएला अपने सामने जॉन की साथी अमेंडा को देखती है। अब 2 दिन बाद हम उस डॉक्टर की पूरी टीम को उसी फैक्ट्री में बंधे हुए देखते हैं। अब उन सभी के सामने जॉन और अमेंडा आती है। गैब्रिएला जॉन से पूछती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर जॉन बोलता है कि ये चीज तुम्हें ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। जॉन केट के पास आता है और उससे बोलता है कि वो उसके एक जाल में बंद है जहाँ पर उसे 3 मिनट मिलेंगे इस गेम को खेलने। 3 मिनट के अंदर उसे दिए गए औजार से अपना पैर काटकर उसके खून से एक बॉक्स को भरना होगा। दिए गए टाइम में अगर वो बॉक्स भर जाता है तो वो बच जाएगी, वरना उसके गले पर रखी ये रस्सी उसकी जान ले लेगी। इसके बाद जॉन वहाँ पर मौजूद सभी डॉक्टरों को बोलता है कि तुम्हें भी एक एक चांस मिलेगा अपनी जिंदगी बचाने को। अब जॉन और अमेंडा वहाँ से चले जाते हैं। केट के गेम का टाइम स्टार्ट होता है और वो उसी औजार को लेकर अपना पैर काट देती है। वो धीरे धीरे उस बॉक्स को भरने लगती है, बट टाइम खत्म होने की वजह से उस गेम को हार जाती है और उसके गले पर रखे हुए रस्सी उसका ही गला काट के उसे खत्म कर देती है, जिसे देखकर गैब्रिएला डर जाती है। अब जॉन और अमेंडा वापस से नीचे आते हैं जहां पर गैब्रिएला जॉन से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एक अच्छा इलाज करवा सकती हूं। वहीं पर पोला भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और अब बाहर से पार्कर गेट को बचाने लगता है। वो बाहर से चिल्ला के बोल रहा होता है कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए। अब जॉन और अमेंडा उसे अंदर ले लेते हैं, वो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और जब वो होश में आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। पार्कर जॉन को पहचान लेता है और वो जॉन से बोलता है कि इन लोगों ने मेरा इलाज नहीं किया है, इसलिए अब मेरे पैसे वापस मुझे चाहिए। जॉन उन सभी लोगों को कैमरे में पार्कर को दिखाता है, साथ ही वो केट को भी पार्कर को दिखाता है और बोलता है कि इसे तो सजा मिल चुकी है और बाकी लोगों को भी बहुत जल्द सजा मिलने वाली है। पार्कर बोलता है कि वो लोग बहुत ज्यादा घटिया है, जिस पर जॉन उसे केट की डेड बॉडी के पीसेस दिखाता है, जिसे देखकर पार्कर बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक। जॉन बोलता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ हमारे साथ देखना बाकी है। अब हम डॉक्टर फ्रैंक को बंधा हुआ देखते हैं जहाँ पर जिक्सो एक ट्रे लेकर आता है जिस पर सर्जरी का बहुत सारा सामान के साथ एक रिकॉर्डर भी था। फ्रैंक उस रिकॉर्डर को उठाकर प्ले करता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे इसी सर्जरी के सामान से अपने खुद के ब्रेन की सर्जरी करके ब्रेन का एक टुकड़ा निकालकर ट्रे पर रखे हुए ग्लास में रखना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके चेहरे पर लगा हुआ एसिडिक मास्क बंद हो जाएगा और वो एसिड से मारा जाएगा। फ्रैंक इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं होता, बट गैब्रिएला और पोला उसे बोलती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका भी हाल केट जैसा ही होगा, जिससे कि फ्रैंक काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो सर्जरी का एक टूल उठाकर अपने ही ब्रेन की सर्जरी करने लगता है। वो अपने ब्रेन का एक टुकड़ा निकालकर उस गिलास में डालता है, बट इन सब चीजों में काफी ज्यादा टाइम लग चुका था।
और अब उस गेम का टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह से उसके चेहरे पर लगे वो मास्क बंद हो जाते हैं और उसके अंदर का एसिड फ्रैंक को जलाकर उसकी मौत का कारण बन जाता है, जिसके अंदर का एसिड फ्रैंक को जलाकर खत्म कर देता है। इसके बाद जिक्सो उसी रिकॉर्डर को लेकर पोला के पास आता है। पोला उसे डर के मारे तोड़ देती है, जिस पर जॉन उसे बोलता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वहां की जंजीरों को खिंचवा कर जॉन पोला को एक हाथ और एक पैर से ऊपर लटका देता है। अब उसके ठीक सामने एक रेडिएशन मशीन भी आती है और उसे एक डंडा भी दिया जाता है, जहां पर जॉन उसे बोलता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपना एक पैर और एक हाथ खोना पड़ेगा। इसके बाद वो रेडिएशन मशीन को चालू कर देता है, जिससे पोला की स्किन जलने लगती है। अब वो उस डंडे से अपने एक पैर को तोड़ती है, जिससे वो दूसरी तरफ लटक जाती है। वो काफी ज्यादा तड़पने लगती है। अब जॉन उस रेडिएशन मशीन को वापस से उसकी तरफ घुमा देता है, जिस वजह से अब वो अपना हाथ भी तोड़ देती है और हाथ के टूटते ही वो नीचे गिर पड़ती है। लेकिन अब तक उसकी हालत बिल्कुल अधमरी हो गई थी, वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है। अब पोला मारी जाती है। उधर केबिन में पार्कर आजाद हो जाता है और आजाद होते ही वो जॉन और अमेंडा पर गन पॉइंट कर देता है। वो अमेंडा को बोलता है कि उसे जल्दी से गैब्रियला के पास ले जाए, वरना वो जॉन को शूट करके मार देगा। अब वो दोनों पार्कर को गैब्रियला के पास लाते हैं। पार्कर गैब्रियला को छुड़वा देता है। गैब्रियला छूटते ही सबसे पहले अमेंडा को मारती है। अब पार्कर जॉन पर गन पॉइंट करते हुए उसे बोलता है कि उसे अपने ही जाल में फंसना होगा। वो जॉन को अपने ही जाल में फंसने के लिए बोलता है और तब जॉन गैब्रियला के जाल में खुद को फंसा लेता है। अब पार्कर और गैब्रियला जॉन पर हंसने लगते हैं। पार्कर बोलता है कि पोला को अभी भी हॉस्पिटल ले जाकर उसे बचाया जा सकता है, जिस पर गैब्रियला बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो उसे अपने पैरों से कुचलकर वहीं पर खत्म कर देती है, जिस पर अमेंडा काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अब गैब्रियला जॉन को बताती है कि पार्कर उनकी ही टीम का साथी है और वो काफी लंबे समय से उनका साथ देता आ रहा है, जिस पर अमेंडा बोलती है कि वो सभी लोग काफी ज्यादा घटिया है। जॉन गैब्रियला से बोलता है कि वो अमेंडा को जाने दे, वो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी इस काम में। असल में बदला लेने का पूरा प्लान तो जॉन का था। अब गैब्रियला बोलती है कि वो पहले ही समझ गई थी कि जॉन ही जिक्सो है। फिर वो सभी लोग बाहर सेम को खेलते हुए देखते हैं। गैब्रियला जॉन से बोलती है कि सेम तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है। इसके बाद वो सेम को अंदर ले आते हैं। इसके बाद गैब्रियला सेम को अंदर लाकर उसी जाल में बंद कर देती है, जिस पर जॉन गैब्रियला को बोलता है कि इसमें सेम की कोई भी गलती नहीं, वो उसे प्लीज छोड़ दे। उसके सारे पैसे ऊपर केबिन में पड़े हुए हैं, वो चाहे तो उन्हें ले जा सकती है। गैब्रियला बोलती है कि अब देखते हैं कि जॉन अपने ही जाल को कैसे तोड़कर बाहर आएगा, जिसके तुरंत बाद ही जॉन बाहर निकलकर गैब्रियला को पकड़ लेता है। उधर पार्कर भी सेम को पकड़ लेता है, जिस पर जॉन को मजबूरन गैब्रियला को छोड़ना ही पड़ता है। अब गैब्रियला पार्कर के साथ मिलकर उनको जंजीरों से बांधकर एक बॉक्स में बंद कर देती है, जहां पर जॉन और सेम को एक दूसरे के अगेंस्ट लिटा दिया जाता है और उस बॉक्स के अंदर पाइप डाले जाते हैं। अब गैब्रियला उस गेम को स्टार्ट कर देती है, जिस गेम की स्टार्ट होते ही उन पाइप्स में से खून निकलकर जॉन के मुंह पर लगातार बहने लगता है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और तभी सेम उस पाइप को घुमाकर उसके चेहरे की तरफ कर लेता है, जिस कारण अब जॉन थोड़ी देर तक सांस ले पाता है और इस तरीके से वो बारी बारी कर पाइप को अपने मुंह की तरफ करके एक दूसरे की जान बचाते। ये सब कुछ देखकर अमेंडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद गैब्रियला पार्कर को बोलती है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद वो ऊपर केबिन में जाते हैं, सारे पैसों को एक बैग में भरते हैं और बैग को उठाते ही वहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो पूरा ऑफिस के सारे डोर और दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अब हमें एक फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि ये पूरा ही प्लान जॉन का ही था। उसे पहले ही डियागो द्वारा पता चल गया था कि पार्कर उन्हीं का साथी है और उन्हीं का साथ दे रहा है इस काम में। इसीलिए जब जॉन और अमेंडा गैब्रियला के साथ उनके सारे साथियों को पकड़ लेते और फैक्ट्री में लेकर आते हैं, तो उन्होंने ही गैब्रियला के फोन से पार्कर को उसी फैक्ट्री में बुलाया था। अब गैब्रियला और पार्कर नीचे आते हैं और वो जॉन, अमेंडा और सैम तीनों को ही आजाद पाते हैं, जहां पर जिक्सो की रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है और बताया जाता है कि उस पूरे ऑफिस में जल्द ही जहरीली गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे बचने के लिए आगे एक छेद दिया गया है, बट वो छेद केवल ए ही जन के लिए। इसके तुरंत बाद ही उस पूरी फैक्ट्री में गैस भरना चालू हो जाती है और अब गैब्रियला और पार्कर दोनों तड़पने लगते हैं, जिसके बाद गैब्रियला जाकर उस छेद में से मुंह को बाहर निकालती है। पार्कर उसे खींचकर उससे लड़ाई करने लग जाता है और अब पार्कर उस छेद में से बाहर मुंह निकालकर सांस लेने लगता है। गैब्रियला एक चाकू लेकर उसी को मार देती है और अब वो उस छेद में से बाहर निकालकर सांस लेती है। इसके बाद हम जॉन, अमेंडा और सैम को देखते हैं, जो कि उन्हीं पैसों को लेकर निकल रहे होते हैं। इसके बाद
फैक्ट्री का टाइमर बंद हो जाता है और वो जहरीली गैस भी। और इस गेम में गैब्रियला ने अपनी जान को बचा लिया था। और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।